इंडियन नेशनल कांग्रेस ना राष्ट्रीय प्रवक्ता अने राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिले खेडूतोना प्रश्न मुद्दे राज्यसभा में आखरी रजूआत करी हती। जोईए अहेवाल। यहां पे के किसान के फायदे का है। अरे कैबिनेट तो एक एंटिटी है, जब आप आपके कैबिनेट के साथी को नहीं समझा पाए हो तो पूरे देश को इस सदन को जब आपके कैबिनेट के मंत्री को आप नहीं समझा पाए के किसान के हित का है। मुझे कहना है कि बाजार में आप जाओ, चाहे मोबाइल लेने जाओ, चाहे जूता लेने जाओ, बेचने वाला तय करता है कि मैं कितने में बेचूंगा। देखिए किसान की हालत, वो मंडी में जाता है अपने खून पसीना का माल, पर वो दाम नहीं तय कर पाता है। वो खरीदने वाला आपका वो कहता है कि मैं इतने में ही लूंगा, और इसलिए इस देश में MSP रही। मंत्री जी को मैं आपके जरिए महोदय कहना चाहता हूँ, अगर आप कहते हो कि MSP नहीं हटा रहे हो तो क्यों ना आप इसमें लगाते हो एक कानून के साथ कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा और कम पैसे में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कोई करवाएगा तो उसके खिलाफ फॉर्जरी का क्रिमिनल केस दर्ज करेंगे। क्यों नहीं ये प्रावधान इधर? कोई अगर ऑनलाइन खरीद करेगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम में किया है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल केस होगा, क्यों ऐसा प्रावधान आप नहीं कह रहे हो? मेरे नेता राहुल गांधी कोरोना से लेके किसान तक सच्ची बात करते हैं तो आपको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सच्ची बात आपको अच्छी नहीं लगती। मैं महोदय कहना चाहता हूं, वो खेत में खून पसीने से काम करने वाला, धूप में रहने वाला किसान, उनका दिमाग AC में रहने वाले से भी तेज होता है। आप क्यों उसकी मजाक कर रहे हो? आप कह रहे हो कि उसे गुमराह किया जा रहा है, आप कहते हो उसे भ्रमित किया जा रहा है। भ्रमित और गुमराह सिर्फ वही होता है जिसका दिमाग तेज नहीं होता है। आप यह कह के मेरे किसान भाई का अपमान कर रहे हो कि उसको भ्रमित, उसे गुमराह किया जाता है। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके किया, माफी मांगनी चाहिए इस देश के किसानों की। वो दिमागी तेज है, वो भ्रमित होने वाला मेरा किसान नहीं है। मेरा किसान भाई दिमागी तेज है, उसे आप कह कहते हो वो क्यों सड़कों पे निकला है? इस जगत का ताप आज क्यों सड़क पे निकला हुआ है? क्योंकि वो जानता है, वो समझता है कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा ये कानून जब बन जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं महोदय, आपके जरिए सरकार को कहना चाहता हूं, कहते हैं ना हिस्टोरिकल बिल है, हाँ हिस्टोरिकल है, पर ये सुनहरे अक्षरों से लिखा नहीं जाएगा, ये काले अक्षरों से लिखा जाएगा जो किसानों को मार देने वाला आपका ये बिल है, इसको उसी लफ्जों में लिखा जाएगा। मैं कहना चाहता हूं महोदय कि जो प्रावधान किए हैं इस बिल में, किसको आप पावर्स दे रहे हो? सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, और उससे पर अपील भी कहा कलेक्टर को, उसको आप सिविल कोर्ट का पावर्स दे रहे हो। अगर कोई दिक्कत आती है, कहीं कॉन्ट्राडिक्शन, कहीं झगड़ा होता है तो, और फिर आप क्या करते हो? आप सेक्शन 18 में एक प्रोविजन करते हो, नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाए, माने कि इसके खिलाफ किसान अदालत में नहीं जा सकता, कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकता, ना स्टेट के खिलाफ ना सेंट्रल के खिलाफ। क्या करने जा रहे हो आप? किसान को दोनों ओर से मार रहे हो आप कि आपको लूट भी लेंगे और तेरी आवाज भी नहीं सुनी जाएगी। मैं ही चोर, मैं ही कोतवाल, मैं ही न्यायाधीश, ये आपका किसानों के खिलाफ का काम। समाप्त कीजिए गोयल जी। महोदय एक सेकंड में, एक मिनट महोदय। 2006 में बिहार में JDU और भाजपा की सरकार ने APMC खत्म किया, आज देखिए मेरे बिहार के किसान की हालत क्या हुई है, और जहां जहां पर ये काम अच्छा हुआ है क्या हालत हो रही है देखिए। मैं आखिर में सिर्फ इतना ही कहता हूँ, सजन रे झूठ मत बोलो, भगवान के घर जाना है, न हाथी है वहाँ, न हवाई जहाज है वहाँ, तो कंधों पे ही जाना। धन्यवाद, धन्यवाद। समझते हुए सरकार, इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को आप सौंपिए, आप पब्लिक ओपिनियन लीजिए, आप में जो उस किसान की आवाज सुनिए, उनका दर्द सुनिए, और फिर आइए इस हाउस में। आप प्रावधान कीजिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कंपल्सरी प्रोविजन, नहीं मिलती क्रिमिनल केस, हम सपोर्ट करेंगे, हम किसान के हितेशी है,
हम आप अच्छी बात लेके आते हो, कांग्रेस का इतिहास रहा है। अरे आप कहते हैं धन्यवाद धन्यवाद, जब देश आजाद हुआ आपका समाप्त हो गया, समाप्त हो गया से आता था। आज हमारे देश में धान के भंडार भरे पड़े हैं, वो किसानों के लिए कांग्रेस ने किया था, इसलिए ये हुआ है। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद।